पुरानी रंजिश को लेकर अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खून से लथपथ पड़ी ये लाश राजकुमार की है, जो बिजनौर के इंद्रलोक कॉलोनी में सुबह के वक्त घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि अचानक बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, जिसकी वजह से रामकुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी बदमाशों की जाँच पड़ताल में जुट गयी है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस मर्डर को पुराने मर्डर से जोड़कर चल रहे हैं। सुबह से ही मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह 7:15 बजे की घटना है ये। उसमें मृतक राम कुमार मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे, उसी दौरान कुछ व्यक्तियों ने गोली मारकर उनकी मृत्यु कर दी। इस घटना के संबंध जो अभी जांच में सामने आ रहा है, लगभग 1.5 से 2 साल पहले कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक लड़के का मर्डर हुआ था, विक्रांत नामक लड़के का मर्डर हुआ था, जिसमें 4 से 5 लोग उस मर्डर केस में जेल गए थे और उसी से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घटना उस घटना से जुड़ी हुई है। जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे जो भी अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे।